212 रन की पारी खेलकर गोल्डन बैट की रेस में रोहित ने लगाई लंबी छलांग। देखे विराट का स्थान। नमस्कार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 497 रन बनाए और अपनी पारी घोषित की। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 255 गेंदों पर 212 रन बनाए। रोहित की इस पारी में 28 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 212 रनों की पारी खेलने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप में गोल्डन बैट की रेस में रोहित शर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। तो चलिए देखते हैं किस स्थान पर है रोहित शर्मा। गोल्डन बैट की रेस में रोहित शर्मा इस स्थान पर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने के बाद रोहित शर्मा टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में इस स्थान पर आ गए हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट चैंपियनशिप के 3 मैचों की 4 पारी में 132.25 की औसत से 539 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल है। विराट कोहली इस स्थान पर। टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजी की सूची में विराट कोहली चौथे स्थान पर है। उन्होंने 5 मैचों की 8 पारियों में 75.50 की औसत से 453 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 774 रन बनाकर पहले स्थान पर है। इस सूची में अजिंक्य रहाणे तीसरे स्थान पर है। उन्होंने 5 मैचों की 8 पारियों में 487 रन बनाए हैं। पांचवें स्थान पर 5 मैचों में 441 रन बनाने वाले बेन स्टोक्स और 6वें स्थान पर 5 मैचों में 420 रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल हैं।